ये है दिल्ली दर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को खास बनाने के लिए भाजपा 7 दिवस का सेवा सप्ताह मना रही है। ऐसे में देश के हर कोने में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। दिल्ली के शालीमार बाग में मंत्रणा फाउंडेशन और महिला मंडल शालीमार बाग द्वारा लगातार हर महीने की अमावस्या को दान पुण्य के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस महीने की पितृपक्ष की अमावस्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर शालीमार बाग में भंडारे का वितरण किया गया। शालीमार बाग महिला मंडल की ओर से अमावस्या के उपलक्ष्य में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ मोनिका जी हैं इसे बातचीत करने के लिए। मोनिका जी, क्या क्या कार्यक्रम है आज का? मैं मंत्रणा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और महिला मंडल शालीमार बाग। ये मंत्रणा फाउंडेशन की तरफ से गरीबों के लिए भोजन और भंडारे का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंदर ये है कि जो भूखे और असहाय लोग हैं उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो लोग इसको अर्पण करें। और आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भूखा ना रहे। और अपने देश की एक परंपरा है आज पितृपक्ष होने के कारण, जो कि ये कहा जाता है कि इसके अंदर पितृपक्ष का बहुत महत्व कहा गया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके लिए, तो उनके लिए ये है कि उनके लिए दान पुण्य किया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में भी हमने ये भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते रहें। क्या क्या होने जा रहा है आज? आज यहाँ पर हलवा, पूड़ी और सब्जी सबके लिए ये भोजन का सिस्टम बनाया गया है जो सबके लिए है। तो कौन कौन से सदस्य आपके मौजूद रहेंगे मंत्र फाउंडेशन की तरफ से या फिर महिला मंडल की तरफ से? इसके अंदर हमारी पूरी टीम मंत्रणा फाउंडेशन की और महिला मंडल की पूरी टीम रहेगी, जिसके अंदर हमारा योगदान मरीना ड्रीम के मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने दिया, और बाकी सारे हमारे सदस्य हैं महिला मंडल और मंत्रणा फाउंडेशन की पूरी टीम और पूरे योगदान के साथ सब लोग लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से और इस कार्यक्रम को सफल बनाने। ठीक है, कुछ ही देर में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे जो और भी मेंबर्स हैं वो पहुँचने वाले हैं। भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर भोग लगाकर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। संस्था के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। भाई साहब, आज पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता भी आज मोदी जी का जन्मदिन भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी उनको मुबारकबाद। और हमारे शालीमार बाग श्री झूलेलाल मंदिर में मंत्रणा फाउंडेशन की तरफ से आज अमावस्या के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया है और भी कई प्रोग्राम आज हमारे शालीमार बाग विधानसभा के अंदर मंडल के अंदर बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के ऊपर। आज 17 सितंबर हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत का नाम ऊंचा करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी जी अपने जन्मदिवस पर कोई बहुत बड़े कार्यक्रम या अपने आप को बड़ा बनाने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ भेंट करना चाहते हो तो सेवा करो, जनता की सेवा को वो अपना सबसे बड़ा कार्य मानते हैं, अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और इसी वजह से सभी कार्यकर्ताओं ने भी ये प्रण लिया था कि ये सप्ताह 14 तारीख से 20 तारीख तक का हम सेवा सप्ताह मनाएंगे मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और आज 17 तारीख को तो उनका जन्मदिन है ही, तो मैं बधाई देती हूँ सबको मोदी जी के जन्मदिवस की। और सबसे बढ़िया बात, मैं बधाई देती हूँ और साधुवाद देती हूँ मंत्रणा फाउंडेशन और महिला मंडल शालीमार बाग को, जिनके हमारे यहाँ दो रिप्रेजेंटेटिव्स मोनिका जी और सरिता जी भी हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम यहाँ पर है, जिन्होंने आज इस भंडारे का यहाँ पे आयोजन किया। सबसे बड़ी बात, मंदिर के बाहर, इस झूलेलाल मंदिर के बाहर इस भंडारे का आयोजन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी कि हम गरीबों को पेट भर भोजन खिला रहे हैं। और शायद आप लोगों को याद होगा कि आज अश्विनी मास की यानी कि पितृ पक्ष की अमावस भी है, जिसे दान करने में, खिलाने पिलाने में लोगों को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इन सभी उपलक्ष्यों को मिलाकर ये काम
इस फाउंडेशन ने, इनकी टीम ने किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह के ये काम करते रहेंगे। वैसे ये पहले भी करते रहे हैं, मैं इनके साथ बहुत कामों में मैं जुड़ी भी हुई हूँ और आगे भी ये ऐसे ही करते रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे और पूरी विश्व को, एक जो हम कहते हैं विश्व कुटुंबकम का संदेश है, वो ये आगे फैलाते रहेंगे। धन्यवाद। इस तरीके से जो कार्यक्रम हैं पूरे देश में किए जा रहे हैं, सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में भी अमावस्या का आज खास दिवस है, इस वजह से भी मंत्रा फाउंडेशन और शालीमार बाग जो महिला मंडल की तरफ से पूरा कार्यक्रम किया गया है और भी आने वाले समय में भी संस्था की यही उद्देश्य रहता है कि ऐसा कार्यक्रम पूरे साल देश भर में किए जा सके। कैमरामैन नवीन के साथ पुनीत गुप्ता।